नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को मैं सहजन के फूलों की सब्जी बनाना बताऊंगा। और ये बहुत ही पौष्टिक रहती है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, पेट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। सहजन के पत्तों के भी बहुत आयुर्वेदिक यूज होते हैं। आज अपन किसकी सब्जी बनाते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पौष्टिक रहती है। तो सबसे पहले इनको अपने पानी में भिगो लिया है, क्योंकि ये जो सहजन के फूल हैं इसको अपन बॉईल करेंगे। और इसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देंगे। इसके साथ में और कोई खास विशेष चीज़ नहीं डालते। दो प्याज काट लिए हैं छोटे, और एक लहसुन की कुछ कलियाँ रख ली हैं, और हरी मिर्ची काट ली है। इसके अलावा जो अपन नॉर्मल सब्जी में जो मसाला यूज करते हैं वही इसमें यूज करेंगे। हल्दी यूज करेंगे, नमक और लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और जीरा, ये चीज़ें यूज करेंगे, और ऑयल साथ में यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। पानी में भिगोया हुआ है तो गैस को ऑन करके इसको बॉयल होने देते हैं। फिर आगे खुला ही बॉयल करना है, इसको ढकना नहीं है, अदरवाइज ये खारा हो जाएगा। ये चीज़ स्पेशल तौर पे इस पे ध्यान रखें। तो अब ये 5 से 6 मिनट हो गई है इसको बॉईल होते हुए, और इसका आप कलर देख सकते हैं। अभी जो ग्रीन थे वो ग्रीन से थोड़ा सा फेडेड ग्रीन हो गए हैं, मतलब ये बॉईल हो चुका अच्छे से। आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन हो चुका है। अब इस पानी को अपन पानी से इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में इसको पानी को, तो गैस अपन ने बंद कर दी है। अब इसको अपन एक छलनी से स्ट्रेन कर लेते हैं, पानी में से इसको निकाल लें। पानी सारा निकाल लिया है, और इसको थोड़ा दबा के इसका पूरा पानी निकाल दें। इसमें से भी दबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हाथ से फिर लड्डू जैसे बना लें और एकदम पूरा पानी इसका निकाल दें। तो जब तक ये अपने सहजन के फूलों के लड्डू जैसे बन रहे हैं, पानी निकाल दिया, क्योंकि पानी रहेगा तो ये कड़वाहट आ जाएगी इसमें। और तब तक अपने गैस भी ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल आवश्यकता अनुसार तेल डाल देते हैं, लगभग 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया इसमें। अब इसके अंदर अपने जीरा डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है, और इसके साथ ही अपन हरी मिर्च और प्याज जो है वो डाल देंगे, और इसको हल्के हल्के कलारों में मिक्स कर देंगे। तो प्याज और ये मिर्ची थोड़े से फ्राई हो जाएंगे और प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद में अपन दूसरे मसाले इसमें डालेंगे। टाइम आप थोड़ा गैस को कम रखें, इसे जलेंगे नहीं, और प्याज को अच्छे से पकने दें। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से इसको सहजने की, इस टाइम पे इसके फूल काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। इसका बनाने की विधि ऑलमोस्ट पथवे की सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसमें भी होता है, कि पहले बॉईल करके फिर उसको अच्छे से उसका पानी निकाल के उसके बाद में। अब इसमें अपन नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, और लाल मिर्ची जो है वो भी इसमें डाल देंगे, धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे, और हल्दी पाउडर, और इसको इसके साथ में थोड़ा मिक्स कर देंगे। थोड़ा हल्का सा पानी इसमें डाल दें, अब जो लहसुन का जो अपने लहसुन छीला था उसको क्रश करके इसमें डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं इसमें। गैस को थोड़ा कम कर दे जिससे अच्छे से मिर्ची पक जाए। मसाले को अच्छे से पकने दे जब तक ये तेल ना छोड़ दे, और ये मिर्ची जो है फटी फटी ना हो जाए, जब तक मसाला जाली ना पड़ जाए तब तक इसको चलने दें। और बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते रहने, अदरवाइज मसाला नीचे लग जाएगा। अब देखिए मसाला पक गया है, और अपन ये सहजन के फूल अब इसमें डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दें, मसाले के साथ में पूरा मिक्स हो जाने दें, और पकता रहेगा थोड़ी देर में। अब मसाले मिलाने के बाद में 1-2 मिनट के लिए पका लें, ज़्यादा टाइम इसमें ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट सब्जी लगभग तैयार है, सहजन के फूलों की तैयार है। अच्छे से मिक्स कर दें, कोई पोर्शन इसका बचना नहीं चाहिए, पूरा इसमें मसाले के साथ में अच्छे से। और गैस को कम गैस पर चलाएँ, स्लो गैस पर ही पकानी है इसको, ज़्यादा जल ना जाए, क्योंकि ये सूखी सब्जी है। ये सब्जी लगभग बन के तैयार है, अब इसको डिश आउट कर ले। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और डिश अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।